अगर दोस्तों आप सभी भी CHO बनना चाहते हैं यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हो तो दो दो वैकेंसियां आ रखी है। तीसरी वैकेंसी आप इसके मानकर चल सकते हो। दो वैकेंसियों के फॉर्म करंटली इस टाइम पर चल रहे हैं, बाकी एक वैकेंसी के फॉर्म वगैरह बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड CHO, झारखंड CHO और UP CHO। UP CHO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्द ही आने वाली है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ बंद हो चुके हैं, लेकिन झारखंड CHO के एप्लीकेशन फॉर्म फिलहाल इस टाइम पर चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें अपन उत्तराखंड CHO के भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलहाल इस टाइम पर चल रहे हैं। तो इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड CHO की। तो उत्तराखंड CHO के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 4 फरवरी से और ये फॉर्म चलने वाले 20 फरवरी तक, यानी कि कम से कम आपके पास अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर एलिजिबल हो तो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना 21 फरवरी को उनका एडमिट कार्ड आएगा और 25 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। परीक्षा का परिणाम बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसमें जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो 800 रुपये रखी गई है। यहाँ पर जो योग्यता मांगी गई है इनसे कि आप भारत के नागरिक हो, लेकिन मैं बता दूँ इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख तो दिया कि आप इंडिया के कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें केवल और केवल उत्तराखंड के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे, जो उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं वही इसमें एलिजिबल हैं और बाकी एलिजिबल नहीं है। मैंने इसका फॉर्म भर के ट्राई करने की कोशिश करी थी आपको बताने के लिए, लेकिन उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वैकेंसी BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों के लिए रहने वाली थी। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि जो आपको 800 रुपये फॉरम फीस यहाँ पर लगने वाली हैं और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो होगा, जो सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम के आधार पर होने वाला है, यानी कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देखो परीक्षा के जो केंद्र हैं देहरादून है, श्रीनगर है, हल्द्वानी और अल्मोड़ा है, 4 परीक्षा केंद्र इन्होंने रखा है। बाकी इसके बाद जो कंप्लीट जानकारी है वो मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको देनी थी इसलिए इसमें दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड CHO के बारे में, जहाँ पर आपको 100 रुपये फॉरम फीस लगेगी। जी बिल्कुल, फॉरम फीस 100 रुपये लगेगी, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की फाइनल ईयर की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल ईयर के परसेंटेज के आधार पर होगा, यूपी की तरह यहाँ पर परसेंटेज का अलग फॉर्मूला नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें इनिशियली पीरियड के लिए आपको 1 साल के लिए लगाया जाएगा, बाद में अगर आपकी वर्क से परफॉर्मेंस से अगर सेटिस्फाई होता है डिपार्टमेंट तो आपको आगे रिन्यू कर लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ मेंशन है कि आप अगर इस जॉब को छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने पहले अग्रिम नोटिस देके आप इस जॉब को छोड़ सकते हो, या अगर आपको कंपनी जो सोसाइटी है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी अगर आपको टर्मिनेट करना चाहती है तो वो आपको 1 महीने पहले एडवांस नोटिस देकर आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो सैलरी रहेगी 25,000 और 15,000 के रेशियो में रहेगी, 25,000 आपका रेमोनरेशन मिलेगा, बाकी 15,000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलने वाला है। और इसके बाद एज रहेगी आपकी 21 से 35 साल आपकी एज रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा है, BSc नर्सिंग और बेसिक BSc नर्सिंग की जो प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम है उसके फाइनल ईयर की परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और कोई स्पेशल चीज़ इन्होंने नहीं दे रखी है, यहाँ पर इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो आप। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले वहाँ पर मिल जाते हैं। CHO की वैकेंसी के लिए 865 पद हैं, 116 UR के हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन दे रखी है और 25,000 रुपये यहाँ पे बता रखा है। बाकी इसके अलावा डेट ऑफ फॉरम एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट दे रखी है 15 फरवरी है, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन तो 16 मार्च इन्होंने दे रखी है। तो 16 मार्च से पहले पहले आपको फॉरम भरना है। इसमें फिर बता दूँ, कोई नहीं बता रहा होगा, 100 रुपये से फॉरम फीस लगेगी, नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने फॉरम भरने का वीडियो अपलोड कर रखा है, जहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद, बाय। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।